हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज काजल गोयल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप फील कर रहे हो स्टक इन योर सपोर्ट रोल और आप स्विच करना चाहते हो डेवलपमेंट रोल में, तो आप कैसे कर सकते हो। ये सेम प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी जब मैंने इनिशियली कंपनी ज्वाइन की थी इन्फोसिस, और उसमें मुझे स्टार्टिंग में जो रोल था उन्होंने सपोर्ट रोल दे दिया था। तो जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं, जैसे ही फ्रेशर्स को हायर करती हैं तो वो उनको मैप कर देती हैं सपोर्ट रोल में। तो ये सबके साथ नहीं होता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लक। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि आपको सपोर्ट रोल मिल जाएगा। हाँ, कई चांसेस ऐसे भी रहते हैं दैट इट डिपेंड्स अपॉन योर लक एट द एंड ऑफ द डे, कि आपको डेवलपमेंट रोल भी मिल सकता है। सो ये रैंडम रहता है बिल्कुल, मैपिंग आपकी सपोर्ट रोल में हो जाए या डेवलपमेंट रोल में हो जाए। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक। सो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं जो थी वो सपोर्ट रोल में मैप हो गई थी एंड आई वॉन्टेड टू, लाइक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मैं मतलब कि चाहती थी कि मैं इस सपोर्ट प्रोजेक्ट से जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैसे भी घुस जाऊं, या कह सकते हैं कि मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट से निकल जाऊं कैसे भी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बिकॉज क्या होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट में, बहुत सारे सपोर्ट प्रोजेक्ट में अच्छी लर्निंग्स होती हैं कि आपको सीखने को मिल रहा होता है, बट बहुत सारे सपोर्ट प्रोजेक्ट ऐसे भी रहते हैं जिसमें आपकी लर्निंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रही होती। तो मेरे प्रोजेक्ट में भी ऐसा था, उसमें मैं जो भी SQL क्वेरीज थी वो रन करती थी और वो ऑलरेडी SQL क्वेरीज भी लिखी होती थी, मुझे ऑलमोस्ट उसे बार बार रीरन करना होता था। तो उसमें मेरी जितनी लॉजिकल बिल्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं हो रही होती थी और मुझे कुछ खास सीखने को नहीं मिल रहा था। और इस प्रोसेस में मेरा जो है 8 hours, यू कैन से कि मतलब 8 to 9 hours ऑफ वर्क भी मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मुझे डेली की 12 tickets मतलब 12 tasks क्लोज करने पड़ते थे। और ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं सीख रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल मन था कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट से भाग जाऊं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया था और वो भी उस प्रोजेक्ट से निकलना चाहते थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने देखा है कि उन्होंने सपोर्ट प्रोजेक्ट से अपना ट्रांजिशन किया डेवलपमेंट में, उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एंड आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपको हेल्प करेगी आपके सपोर्ट रोल से निकलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वे जो मैं आपको बता सकती हूँ, तो एक वे हो सकता है, जैसे ही हमें प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट जैसे ही हमें साइन हुआ है, हमें पता लग गया डे वन से ही हमें सपोर्ट का रोल है और सपोर्ट के रोल में मैप किया गया है, तो जितने भी अपने मैनेजर्स हैं या टीम लीड है, आप उनको अपना कंसर्न रखो। आप उनको बताओ कि आपका जो है वो स्किल सेट है वो काफ़ी डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और आप चाहते हो कि आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड वो काम दे रादर देन योर सपोर्ट, राइट। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने अपना जो कंसर्न है वो रखा था अपने टीम लीड को, अपने मैनेजर्स को, कि मुझे जो है वो डेवलपमेंट का काम करना है, मेरे को सपोर्ट का काम नहीं करना। क्योंकि कॉलेज में मैंने जावा सीखी हुई थी और विद इन द इन्फोसिस कंपनी मुझे .NET पे ट्रेनिंग मिली थी, .NET के प्रोजेक्ट पे काम मिला था जो ट्रेनिंग में था, बट येस जब प्रोजेक्ट की बात आई तो प्रोजेक्ट में मुझे सपोर्ट का काम मिल गया। तो मैंने अपना कंसर्न जो है अपने मैनेजर्स को, अपने टीम लीड को दिखाया, बट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वुड से या बहुत 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 रेयर चांसेस हैं, अगर आपके मैनेजर्स बहुत सपोर्टिव हैं, टीम लीड बहुत सपोर्टिव है, देन ओनली इट विल मेक अ डिफरेंस, अदरवाइज इट वॉन्ट गोना हेल्प यू आउट। या तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली और मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मैनेजर्स को, टीम लीड को बोला, उनको भी कोई हेल्प नहीं मिली। बिकॉज जनरली ऐसा ही होता है, अगर आप एक प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही मुश्किल होता है उस प्रोजेक्ट से आपको बाहर निकलना, या आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपको डेवलपमेंट साइट भेज दें। तो जो मैनेजर्स है ना, वो जल्दी से बहुत लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं। मेरा जो मैनेजर था वो ही यूज्ड टू से, काजल आप बहुत अच्छा काम करो, आप सपोर्ट का काम बहुत अच्छा करो, आपको फिर ना आराम से हम डेवलपमेंट के रोल में डाल देंगे। बट येस, ऐसा कुछ नहीं होता, कितना भी काम कर लो, अगर आप जितना ज़्यादा काम करोगे सपोर्ट का, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको वो जो मैनेजर्स हैं, टीम लीड है, वो बाहर निकालेंगे उस प्रोजेक्ट से। किसी को कोई नहीं निकालता, मेरे फ्रेंड सालों साल सपोर्ट के प्रोजेक्ट में निकल निकल के इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ, किसी को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिला। या तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बट या आप अपना जो है कंसर्न रख सकते हो अपने मैनेजर्स को, टीम लीड को, बिकॉज कभी नहीं पता होता कि मे बी आपके मैनेजर्स और टीम लीड अच्छे हों, वो आपकी बात मान ले। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। यू कैन गिव अ शॉट, मे बी वो कन्विंस हो जाए, आई एम नॉट श्योर, बट येस दिस इज द वन थिंग दैट यू कैन ट्राई एट लीस्ट, बिकॉज मैंने भी ट्राई की थी, तो आप अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंड वे है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, येस इट हेल्प्स अ लॉट, और ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को हेल्प की थी। बिकॉज इंटरनल जॉब पोस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारी जॉब्स निकलती है डेवलपमेंट रोल के लिए भी। लेट्स से अगर आपको डेटा साइंस के रोल में मूव करना है, आपको .NET डेवलपर है, जावा डेवलपर, ऐसे बहुत सारी जो है इंटरनल जॉब्स जो हैं वो कंपनी के अंदर निकलती हैं और आप उस इंटरनल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर ऑल्सो। बट या
इसमें आप ये चीज याद रखिए, अगर आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रोल के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा तभी आपका इंटरनल जॉब पोस्टिंग में आपका इंटरव्यू के थ्रू आप सिलेक्ट होकर आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो पाओगे। क्योंकि इन्फोसिस में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे .NET पे ट्रेनिंग मिली थी, तो या मैं कह सकती हूँ कि डेवलपमेंट साइड मेरे को प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था, मेरे को जो है लर्निंग्स मेरी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी जो इन्फोसिस की ट्रेनिंग थी। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो इम्प्लॉयज रहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग जो होती है वो किसी टूल पे हो जाती है। हम मैं ये नहीं कह सकती कि डेवलपमेंट साइड ही आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उस केस में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग को भी क्लियर कर पाना। अगर मैं भी अपनी इंटरनल जॉब पोस्टिंग अप्लाई कर रही थी बट मेरा जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू हुआ नहीं, यू कैन से लाइक उससे पहले ही मेरा जो है वो ट्रांजिशन हो गया स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में। बट येस, इंटरनल जॉब पोस्टिंग इज़ अ गुड वे, आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट आता है कि अपने स्किल्स पे कैसे वर्क करें, यही आपका थर्ड स्टेप होगा। अगर आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग में ट्राई करना चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी आपका डेवलपमेंट अच्छा है या आपने कॉलेज में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो आप वो शोकेस कर सकते हो, या आप साइड बाय साइड कुछ सीख रहे थे या आपको ट्रेनिंग मिली है कंपनी में जब आप गए हो उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, तो आप उसके लिए इंटरनल जॉब पोस्टिंग इस पर अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए काफी ईजी होगा उसे क्रैक करना। अब थर्ड तरीके की बात करें, थर्ड तरीका है इम्प्रूव योर डेवलपमेंट स्किल। ऑब्वियसली अगर आपको सपोर्ट रोल से मूव करना है डेवलपमेंट में, तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो डेवलपमेंट स्किल्स। क्योंकि अगर आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी होंगी तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज मेरे भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट के रोल में साल दो साल रगड़ के काम किया, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक की, बहुत अच्छे पैकेज में वो गए और आज डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। बट यार ऐसे कैसे, मतलब सपोर्ट रोल से डेवलपमेंट में शिफ्ट कैसे हो गए, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। यस, उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि सोचो ना, अब आप सपोर्ट रोल में आ गए और हार्डवर्क तो करना बनता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको डेवलपमेंट साइड जाना है और आप सपोर्ट रोल में स्टक हो। देखो, 8 घंटे आप ऑलरेडी सपोर्ट के रोल में काम कर रहे हो, या 3 घंटे 4 घंटे, कईयों का काम कम भी रहता है या वर्कलोड कम भी रहता है, कर रहे हो ठीक है, और आपको लग रहा है आपकी स्किल्स में खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, वही रेपिटेटिव टास्क आप रोज किए जा रहे हो ठीक है, तो आपको लॉन्गर रन में वो जो आपका वर्क है वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। सो मेरी एडवाइस है, प्लीज़ अपना काम करो, साथ साथ अपने काम के साथ अपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो जावा डेवलपर में, तो जावा पकड़ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको मर्न मीन जैसी वेब डेवलपमेंट में बहुत मजा आता है, तो आप जावा स्क्रिप्ट पकड़ लो, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। अगर आपको डेटा साइंस में अपना करियर दिख रहा है तो ये सब पाइथन उठा लो। तो ऐसे ही आप क्लाउड में जाना चाहते हो, AWS, Azure, कुछ भी आप कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पहले आप अपनी तरफ से एक्सप्लोर करो। आजकल इंटरनेट का यूट्यूब का जमाना है, सर्च करो कि आप कौन सी आपको डेवलपमेंट जो स्किल है वो एक्साइट करती है, उस पर काम करना स्टार्ट करो। अगर आपने कॉलेज में कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया तो उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, और अगर नहीं किया, फर्स्ट वे इज ओनली द प्रोग्रामिंग स्किल। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग स्किल अक्वायर करो जिसमें आपको फर्दर आपको लगता है कि वो आपको हेल्प करेगी आपके गोल को अचीव करने में। आपने प्रोग्रामिंग स्किल सीख ली, आपने वो टेक्नोलॉजी पे स्किल सेट अक्वायर कर ली, आप वीडियोस देखो, यूट्यूब देखो, आप साथ साथ कोड करो, और या प्रोजेक्ट करना मत भूलना। मतलब प्रोजेक्ट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीख चुके हो और आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, तो आपका जॉब स्विच भी नहीं हो पाएगा और आप सपोर्ट रोल से डेवलपमेंट में मूव करना बहुत ही मुश्किल है। जिस जैसे मैंने आपको बताया ना मेरे फ्रेंड्स के बारे में, तो उन्होंने अपना 1 से 2 साल का जो एक्सपीरियंस था उनका लिटरली सपोर्ट प्रोजेक्ट पे था, और उस सपोर्ट प्रोजेक्ट में वो कुछ खास सीख भी नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पैकेज क्यों ले लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, सपोर्ट के रोल में काम कर रहे थे, 8 घंटे भी कहीं दे रहे थे, 3-4 घंटे भी दे रहे थे, जितना भी टाइम बचता था वीकेंड्स में, जितना टाइम बचता था वो लोग बैठते थे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, सीखते थे, प्रोजेक्ट बनाते थे, और कहीं ना कहीं वो अपनी जो स्किल है वो रोज उस पर काम कर रहे थे, और तभी जाके वो फाइनली दूसरी कंपनीज में अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्ट कैसे शो करें, क्योंकि सपोर्ट के रोल में सपोर्ट का काम किया है और प्रोजेक्ट क्या दिखाएं। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जितने भी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ या जनरल भी बात करूँ, तो देखो दो चीजें कर सकते हो आप ये चीज कर सकते हो, जो आपने सपोर्ट का प्रोजेक्ट किया जिसपे आपकी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं रही है, आपने एकदम से बहुत ही बेसिक वर्क किया जिसमें आपकी लर्निंग बिल्कुल नहीं थी, आप मान के चल सकते हो कि ना के बराबर थी उसमें कोडिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क, तो आप उस सपोर्ट एक्सपीरियंस को शो ही मत करो। आप सीधा अपना, क्योंकि जितने भी एचआर जब हायरिंग करते हैं वो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस पूछते हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है कि आपने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कितने साल काम किया है,
तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एक्सपीरियंस ज्यादा दिखाओ तो आप अपना सपोर्ट का जितना भी वर्क है उसको साइडलाइन कर दो और जितना भी रिज्यूमे है वो भर दो अपने डेवलपमेंट वर्क से। उसके लिए आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऐड करो, अपनी स्किल्स का ऐड करो, जितने भी टेक्नोलॉजीज पे अपने काम के वो ऐड करो, और अगर आप कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप सर्टिफिकेशन कर लो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर्टिफिकेशन इज समथिंग दैट शोज कि वो चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर सर्टिफिकेशन आती नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो सर्टिफिकेशन अक्वायर कर लिया, ठीक है, सर्टिफिकेशन ले ली, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेट्स सपोज आप किसी और कंपनी में गए और आपने अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताया 2 ईयर्स, आपने अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताया 2 ईयर्स है मेरा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में डोमेन में, तो बट ऑब्वियस है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो प्रोजेक्ट है उसको कभी भी डिटेल में नहीं बताना होता, आपने किसी भी, इनफैक्ट जितने डेवलपर्स होते हैं वो भी प्रोजेक्ट जो है वो बाहर इंटरव्यूअर्स के साथ इतना डिटेल में नहीं शेयर कर रहे होते, क्योंकि एक NDA होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो बेसिकली आप क्लाइंट के साथ ऑलमोस्ट साइन करते हो, कईयों के साथ नहीं भी साइन करते, बट ये सब कभी भी क्लाइंट के जितने भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या कंपनी में कितने भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, आपने उसकी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो दूसरों को नहीं देनी होती। तो आपको अपना जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी होती है, वो आप तभी बता पाओगे जब आपने किसी डमी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। लेट्स सपोज आपने कोई बुकिंग मॉड्यूल बना लिया, बुकिंग एप्लीकेशन बना ली, तो आप शो कर दो कि मैं इस टाइप की बुकिंग एप्लीकेशन पे वर्क करा था विद इन द कंपनी, ठीक है, उसमें आपने कुछ कुछ मॉड्यूल्स साइन कर दिए, लॉगिन के, साइनअप के और पेमेंट के और समथिंग लाइक दैट, आपने नेट से देख के उसमें मॉड्यूल्स बना लिए, वैसे मॉड्यूल्स आप जो है वो अपने इंटरव्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दो कि ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स पे मैंने काम किया है, और वो आपसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछेगा। आप सपोर्ट का काम तो ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, मतलब कंपनी में टास्क मिलते हैं, डेवलपर्स को भी मिलते हैं, सपोर्ट को भी मिलते हैं, तो आप बता दो कि आपकी 10 मेंबर्स की टीम थी, 6 मेंबर्स की टीम थी जिसमें 3 to 4 डेवलपर्स थे, टेस्टर्स थे और स्क्रम मास्टर थे, ठीक है, और क्लाइंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट बताता था और आप एज अ डेवलपर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे, आप कोड लिखते थे, लाइक दैट यू कैन एक्सप्लेन ना। और अगर आपने कोई डमी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ये मत समझो कि आप सपोर्ट रोल में और डेवलपमेंट में नहीं जा सकते, बस आपको थोड़ा झूठ बोलना आना चाहिए इंटरव्यूअर को, बिकॉज सच बोल के तो आपका इंटरव्यू नहीं निकलने वाला, आई वुड से, बिकॉज मेरा भी नहीं निकला था। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब इन्फोसिस में मैंने 1 से 1.5 साल ऑलमोस्ट ना सपोर्ट का काम किया है, और आज मेरा 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस में मैं कभी नहीं बताती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सपोर्ट से कुछ भी अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं करती हूँ, मतलब मेरा सारा जो एक्सपीरियंस वो जावा से रिलेटेड ही शो करती हूँ, किसी को नहीं बताती कि वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो सपोर्ट से रिलेटेड है। सो बिकॉज रेलिवेंट एक्सपीरियंस मेक्स अ डिफरेंस इन योर पैकेज एज वेल। देखो मैंने तो अपना ट्रू एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया एंड आई नो दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट, और अगर आप इस तरीके से अपना इंटरव्यू हैंडल करोगे, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ने यार सपोर्ट प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट में चलेगा, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट का एक्सपीरियंस जीरो कर दिया, वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ आप क्यों नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको एक चीज़ करनी है, दैट इज़ द हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क कोडिंग करनी है, अगर किसी डेवलपमेंट फील्ड में मूव करना है वो टेक्नोलॉजी पकड़ लेनी है, उसके पीछे पड़ जाना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं और फाइनली इंटरव्यूअर को बेवकूफ बनाना है, या क्योंकि आपको ये शो करना है कि आपको एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब आपने कंपनी में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, उस पर्टिकुलर डोमेन पे वर्क किया है और वो आपको इंटरव्यूअर को दिखाना है, बस आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बस देन यू आर गुड टू गो। तो इसी तरह आप मूव कर सकते हैं सपोर्ट रोल से डेवलपमेंट में, एंड यही टेक्निक मैंने फॉलो की थी, आप भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अदर पर्सन फॉलो कर सकता है, उसके लिए बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना है बहुत ज़्यादा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू समवन दैट कैन रियली हेल्प और दैट कैन मेक डिफरेंस इन हिज और हर लाइफ, या प्लीज डू शेयर, एंड या do like this video and comment agar aapke koi bhi doubt hai, I'll be going to answer them, and agar aapko ye video pasand aaya so yeah do like share subscribe, keep learning, keep coding, thank you।